सो जब बात आती है वीडियोस को शूट करने की यार, तो बहुत सारी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं यार कि किस तरह से अपनी वीडियोस को हम शूट करें यार कि बिल्कुल प्रोफेशनली वो दिखें, उनमें क्रिएटिविटी नज़र आए। ठीक है, कुछ वीडियोस को हम शूट करते हैं बिल्कुल सिंपलिसिटी से और कुछ वीडियोस के अंदर हम लगाते हैं ट्रांजिशंस का तड़का। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी कमाल की ट्रांजिशंस जिनको आप बना सकते हैं अपने DSLR कैमरा की मदद से। अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो आप अपना स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो वेलकम टू PJ सिनेमैटिक आइडियाज़, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम ट्रांजिशन को अप्लाई करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है, ठीक है, सिंपली आपने अपने कैमरे को कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है अपने मॉडल के साथ। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी, ठीक है, ज़रा चल के आना। ठीक है, जो मेरा मॉडल है अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब मैं उसको बोलूँगा चलने के लिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आके वो चल के आएगा और पेड़ के बिल्कुल बीच में आके रुक जाएगा। ठीक है, उसका क्या रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि आप जब इस सीन को कट करके मास्किंग करके एक अलग सीन के साथ कंबाइन कर देंगे तो एक बहुत ही कमाल की ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए इस ट्रांजिशन को हम करके देखते हैं। जस्ट दो सीन्स को आपने कंबाइन कर देना और बहुत ही कमाल का आपका सीन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड ट्रांजिशन के बारे में, जो है मैच कट। ठीक है, अब उसको आपने किस तरीके से करना है, जस्ट लाइक साउंड की कुछ इस तरह से आप क्लैप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, और दोनों सीन्स को आपने मर्ज कर देना, मीन्स की जोड़ देना है। तो चलिए इस ट्रांजिशन को करके हम देखते हैं। सो फाइनली अभी आपने देखी सेकंड ट्रांजिशन और जस्ट आपने क्लैप करना है और आपका जो सीन होगा बहुत ही क्रिएटिव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड ट्रांजिशन के बारे में, जो है स्काई ट्रांजिशन। जस्ट लाइक कि हमारा जो कैमरा होगा पहले किसी अलग डायरेक्शन में होगा, मीन्स कि हमारा जो मॉडल होगा वो भी कुछ अलग डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसके बाद पहला सीन हमारा ये हो गया, सेकंड सीन में हमारा जो मॉडल होगा और जो हमारा कैमरा होगा वो बिल्कुल रोटेट करके कुछ इस तरीके से आएगा। पहले सीन में कुछ इस तरीके से होगा और दूसरे सीन में कुछ इस तरीके से आएगा और बहुत ही कमाल की ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए इस ट्रांजिशन को हम करके देखते हैं। तो अभी आपने देखी थर्ड अमेजिंग ट्रांजिशन और इसको अप्लाई करके देखना, काफ़ी अमेजिंग ट्रांजिशन है ये। उसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ ट्रांजिशन के बारे में। अब जैसा कि जो भी आपका मॉडल है, ठीक है, आपका जो कैमरा होगा उसके लेंस को कुछ इस तरीके से होल्ड करेगा और पहले चल के आएगा। ठीक है, एक सीन में वो चल के आएगा, देन फिर से वो होल्ड करके खड़ा रहेगा, दूसरे सीन में वो बैक साइड चला जाएगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग और सिंपल सी ट्रांजिशन है। तो चलिए इस ट्रांजिशन को हम करके देखते हैं। तो अभी आपने देखी फोर्थ ट्रांजिशन और ये काफ़ी अमेजिंग है, इसको ट्राई करके देखना और आपकी वीडियोस में थोड़ा सा कहते हैं ना मसाला ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा तड़का लग जाएगा ट्रांजिशंस का। उसके बाद बात करते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट ट्रांजिशन के बारे में, जो है विप ट्रांजिशन। मींस कि आप अपने कैमरे को कुछ इस तरीके से कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और याद रहे कि थोड़ा सा मोशन उसमें आए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं हिलाना है, जस्ट मतलब फ्री स्टाइल में हिला देना है। पहले वाला जो सीन होगा आपने कुछ इस तरीके से उसको कर देना, ठीक है, देन सेकंड सीन में आपने फिर से कुछ इस तरीके से या इस तरीके से उसको मर्ज करके मींस की जोड़ देना है। तो काफ़ी कमाल की ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको भी हम करके देखते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपने DSLR कैमरा की मदद से ट्रांजिशंस को बना सकते हैं, तो खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास DSLR कैमरा है चाहे आपके पास स्मार्टफोन है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।